सर मैं जो जरूरी मीटिंग है उनके बारे में बात करना चाहता हूँ, उनके बारे में बताना चाहता हूँ, तो दो मिनट का समय लूंगा सर। जी सर बताइए। सबसे पहले संघ को नमामी और जितने मेरे समण बहन भाई हैं उन सबको नमामी। जो अगस्त की मीटिंग है हमारी, जो स्पोक मीटिंग है, वो 14 अगस्त को दिल्ली में होगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो जितने भी हमारे साथी उसमें पहुंच सकते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है और स्पोक की मीटिंग होगी। केवल स्पोक पहुंचे और जो स्पोक अपने परिवार के साथ पहुंचना चाहते हैं वो परिवार के साथ ही पहुंच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली मीटिंग है हमारी फिर 28 अगस्त रायपुर छत्तीसगढ़ की। तो रायपुर के साथी या आसपास के जितने भी हमारे साथी हैं, संगी साथी है, वो उसमें पहुंचने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर मीटिंग को सफल बनाएं। एक जो महिला विशेष की मीटिंग हमारी 31 जुलाई की थी, जिसको आगे बढ़ाकर 28 अगस्त की कर दिया गया था, तो वो 28 अगस्त की मीटिंग गढ़मुक्तेश्वर के एसएस गार्डन में होगी और बहुत ही भव्य मीटिंग होगी, अच्छी मीटिंग होगी, क्योंकि महिला विशेष की पहली मीटिंग है अभी तक हमारी और इसमें अधिक से अधिक संख्या में महिला बहनें हमारी पहुंचेंगी। तो टारगेट लगभग 500 से ऊपर का है। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस संगति में सभी लोग पहुंचने का प्रयास करें, पास के भी जितने मेरे आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं। जाएगी दीवार जाके बलदेव सर अपना माइक ऑफ रखें, बलदेव सर। तो जितने भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे भी और अदर स्टेट से भी जो भी आ सकते हैं आसानी से, क्योंकि ट्रेन की सुविधा बहुत अच्छी है, दिल्ली से गढ़ तक की भी अच्छी सुविधा है, बहुत सारी ट्रेनें हैं, तो उससे आ सकते हैं सर। और कोई एक आध दिन पहले भी आना चाहे तो आ सकते हैं, रुकने के ठहरने की पूरी व्यवस्था मिलेगी यहाँ पे। सितंबर की जो मीटिंग है वो है 23 सितंबर संकल्प दिवस, बाबा साहब की भूमि, संकल्प भूमि बड़ोदरा गुजरात में, जो हमारी 23 सितंबर को होगी। तो उसमें रिजर्वेशन अभी लगभग 200 से ऊपर हमारे हो गए हैं, अगर कोई भी साथी उसमें रिजर्वेशन और कराना चाहे तो करा सकते हैं, अन्यथा जो उसका रजिस्ट्रेशन है 250 रुपये जो वहाँ का खाने का जो खर्चा है 2 दिन का, तो उसके आप जमा करके रजिस्ट्रेशन करा लें। समय इसमें बहुत कम है और अधिक से अधिक जो बाबा साहब की भूमि है उसके दर्शन करने का सभी लोग प्रयास करें, उसका लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो संकल्प भूमि बड़ोदरा की मीटिंग हमारी ऐतिहासिक होने जा रही है, उसको सफल बनाने का प्रयास करें, तभी सभी संगी भाई उसमें पहुंचने का प्रयास करें। 25 सितंबर की हमारी हरदोई की मीटिंग भी है, जो 500 लोगों की है लगभग, तो वो भी होगी, उसका भी अभी जस्टिस के बाद तुरंत इसको करेंगे, तो उसका भी जो है प्रचार प्रसार ठीक से होना चाहिए हमारा। जितने भी हमारे हरदोई के साथी हैं, हरदोई की हमारी टीम है, उसको भी एक्टिवेट अब कर देंगे। अक्टूबर में 16 अक्टूबर हमारी लखनऊ की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और लगभग 2000 लोगों की वो मीटिंग होगी, बहुत ही ऐतिहासिक मीटिंग है हमारी, वो नेशनल मीटिंग है, तो उसको सफल बनाने के लिए आप सभी लोग, क्योंकि अभी से अगर हम ट्रेन में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वो आसानी से मिल जाएगा, अन्यथा फिर बाद में फिर दिक्कत होती है। तो अभी तो सभी ट्रेन लगभग खाली हैं, तो सभी लोग अपने 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 टिकट करा लें और टिकट कराने के बाद ग्रुप पर उसके फोटो डालते रहे ताकि लिस्ट बनती रहे। तो सभी का प्रयास रहे कि भाई अधिक से अधिक संख्या में इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन और इसका रिजर्वेशन वो करा लें। फिर हमारे 23 अक्टूबर की है एक मीटिंग, आशुघोष विशाल बुद्ध विहार है आपका कौसाम्बी में, तो वो भी 500 लोगों से ऊपर की मीटिंग होगी 23 अक्टूबर की। तो जो लोग उसमें जाना चाहेंगे, चूंकि प्रयागराज के पास में है, लगभग 20-25 किलोमीटर के पास एक गांव पड़ता है जलालपुर साना कौसाम्बी में, तो वहां ये मीटिंग होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो इसके लिए भी सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, तैयारी रखें। फिर हमारी 4 अक्टूबर की नागपुर की दीक्षा भूमि की, जिसमें अभी कल कटके सर ने, जांबुले सर ने और
बताया था इसके बारे में, तो उसमें सीट बहुत कम है और 3 तारीख में हम लोगों को वहां पहुंचना होगा लगभग, तो 2 तारीख का रिजर्वेशन इसमें करा लें। इधर से जाने की सीट निश्चित है, लगभग 100 के करीब ट्रेन में सीट है, उधर से 20-25 सीट है अभी, तो उधर से आने का और इधर से जाने का इसमें बहुत जल्दी करें, आजकल में रजिस्ट्रेशन होने हैं जरूरी। और इसमें भी अधिक से अधिक, चूंकि बाबा साहब की भूमि है, बाबा साहब की भूमि पर वहां दर्शन करने का, वहां पहुंचने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है, तो उसे हाथ से ना जाने दें और सभी लोग वहां पहुंचे। सारी व्यवस्था वहां पर है, रहने की, खाने की, उठने की, बैठने की सारी व्यवस्था आपको मिलेगी। नवंबर में हमारी 12 व 13 नवंबर की संकिसा फर्रुखाबाद में मीटिंग है, तो वो भी लगभग 1000 लोग की रहेगी। उसके लिए भी आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन भी कराएं और वहां के जो भी ट्रेन से जा सकते हैं ट्रेन के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लें और अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचें, क्योंकि भगवान बुद्ध की भूमि है और वहां आपको सभी देशों के बुद्ध विहार देखने को मिलेंगे। 2 दिन की मीटिंग है तो ऐतिहासिक मीटिंग है, तो सभी लोग उसके भी रजिस्ट्रेशन करा लें, दूसरा आने वाले रिजर्वेशन करा लें अपने। फिर अगली मीटिंग हमारी 20 नवंबर बिजनौर की रहेगी, ये भी 1000 लोगों की मीटिंग रहेगी बिजनौर में, और उससे जो आगे की मीटिंग है 27 नवंबर की चंदौसी की, चंदौसी संभल में, तो वो वहां पर मीटिंग रहेगी। दिसंबर में हमारी 5 दिसंबर की चैत्य भूमि मुंबई मुंबई में अपनी बड़ी मीटिंग रहेगी लगभग 10,000 लोगों की। 18 दिसंबर की कानपुर की है बुद्ध विहार की साधना केंद्र की, तो वो भी मीटिंग रहेगी दिसंबर में। और 2 अक्टूबर की जो मीटिंग है हमारी हरियाणा की बहादुरगढ़ की, उसके लिए अभी से प्रयास करें, और जितने भी लोग हमारे आसपास के स्टेट के हैं, जो हरियाणा से लगे हुए स्टेट हैं, उसमें सभी लोग तैयारी रखें जाने की, तो सभी लोग उसमें पहुंचे। 2 अक्टूबर की मीटिंग रहेगी और लगभग 1000 लोगों से ऊपर की रहेगी। तो ये हमारी अब तक की मीटिंग है, क्योंकि मीटिंग हमारी बढ़ती जा रही है, और फिजिकल मीटिंग अगर और भी कोई साथी लगानी चाहते हो, कहीं करवाना चाहते हैं, तो वो नोट करा सकते हैं, BSR नोट करा सकते हैं, मुझे भी नोट करा सकते हैं, क्योंकि जितनी हमारी फिजिकल मीटिंग होगी उतना अच्छा होगा, हम जो है गांव तक जा सकते हैं, धरातल तक उतर सकते हैं, लोगों तक अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको हम बिल्कुल आखिरी जो पायदान पर हमारा संगी साथी खड़ा है उस तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है, और टीम बनती जा रही है, सभी लोग अपना उसमें प्रयासरत हैं। तो आप सभी से निवेदन है इन सभी मीटिंग्स में जो नजदीक के हमारे जिले हैं, तहसील हैं, स्टेट हैं, सभी लोग उनमें पहुंचने का प्रयास करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद योगेंद्र सर, मीटिंग के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी। थैंक यू सर। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। शरणं गच्छामि।
शरणं गच्छामि साधु साधु साधु।